नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 11th का एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 13 से करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 तो देख रहे थे, आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले इस वीडियो को जाकर देखिए, तब एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कहा है कि प्रूव दैट ये 1 + i² + i^4 + i^6 + i^8 + i^20 = 1। यहाँ देखिए हम लोग LHS से आते हैं, ये 1 + i² + i^4 + i^6 + i^8 + i^20। देखिए इस क्वेश्चन को करने का हम लोग के पास में दो मेथड है। पहला मेथड है कि यहाँ से जैसे 1 है प्लस i² है प्लस i^4 + i^6 + i^8, इससे आई क्या होगा, i^10 फिर i^12 + i^14 = i^20 तक हम लोग लिख लेंगे सारा। उसको हम लोग अलग अलग वैल्यू निकाल देंगे, फाइनली इसको सॉल्व करते हैं, फाइनली इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पावर 20 था तो हम लोग ऐसे करके लिख लेंगे। यदि मान लीजिए यहाँ पे ज़्यादा पावर रहता है, 400 रहता है, 600 रहता है, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग सेकेंड मेथड से करते हैं। उसको समझिए कि क्या है, इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पावर कम था तो हम लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते थे, पावर यदि ज़्यादा रहता तब हम लोग क्या करते हैं। तो देखिए ये सीरीज जो हम लोगों को दिया गया है ये GP का है। अब दोस्तों देखिए GP होता है क्या, सो पहले समझिए। यहाँ पे अभी तो आप लोग GP पढ़े नहीं होंगे, ठीक है। इसका अगला चैप्टर जो है मतलब क्लास 11th में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नाम से है। देखिए सबसे पहले आपको समझाते हैं कि GP है क्या। देखिए यहाँ पे कि ये 1 + i² + i^4 + i^6 + i^8 + i^20 है। GP क्या होता है कि सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड कीजिए, इसमें इससे डिवाइड कीजिए। देखिए i² / में कितना है 1, इसका रिजल्ट कितना हो जाए i², फिर थर्ड टर्म में देखिए सेकेंड टर्म से डिवाइड करेंगे यानी i^4/i² कैंसिल हो जाएगा i², देखिए यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो बोलते हैं। कभी भी आप लोगों को पता करना है कि GP में है कि नहीं, तो क्या करेंगे सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म में हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, फिर थर्ड टर्म में से क्या करेंगे सेकेंड टर्म से डिवाइड करेंगे। तो हर जगह यदि रिजल्ट सेम यदि हो जाएगा तो ये GP में होगा। तो ये शुरू वाला जो टर्म रहता है वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना है a, फर्स्ट टर्म को हम a से इंडिकेट करते हैं। और जो डिवाइड करके आया है, जैसे सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड किए, थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म से डिवाइड करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो का वैल्यू कितना है i², कॉमन रेशियो का वैल्यू कितना हो गया i² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब इसका हम लोग सम निकालना है। इसे क्या निकालना, सम निकालना है। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि a का वैल्यू यहाँ पे कितना है, देखिए यर a इक्वल टू कितना है 1 और कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा i² / 1 यानी कि i². अब दोस्तों देखिए कॉमन रेशियो का वैल्यू कितना होगा i² और i² का वैल्यू कितना होता है -1। यहाँ समझिए कि i² का वैल्यू कितना होता है -1 होता है। अब देखिए यहाँ पे वैसे कॉमन रेशियो क्या है i² है, इसका हम लोग यहाँ पर रिजल्ट लिखे हैं क्या है -1 है। अब यहाँ पे समझिए इस सारा का हम लोग सम निकालना है। तो जब GP में सीरीज दिया रहेगा उसका सम का फॉर्मूला होता है SN = a((1 − r)n / 1 − r)। इसका यूज हम लोग कब करते हैं, जब r का वैल्यू 1 से लेस हो, r मतलब हो गया कॉमन रेशियो, ओके। और SN = होता है a((r)n − 1 / r − 1, यानी r का वैल्यू 1 से बड़ा। जब r का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जब r का वैल्यू 1 से छोटा होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके। ये दो फॉर्मूला हम लोग याद रखना है। अब बताइए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि देखिए कॉमन रेशियो मतलब क्या हो गया r, तो r का वैल्यू यहाँ पे कितना है i², r का वैल्यू कितना है i² है और इसका वैल्यू क्या होता है -1। अब बताइए -1 क्या हो गया, r से छोटा हो गया, इसका मतलब हम लोग को ये फॉर्मूला इसमें यूज होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके लिए हम लोग क्या पता होना चाहिए, n पता होना चाहिए, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। अब बताइए दोस्तों यहाँ पे n कितना है, सो यहाँ पे समझिए, देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए 2-2 का गैपिंग है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, अप टू 20 है यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ पे फिर समझिए, यहाँ पे सीरीज था हम लोग का 1 + i² + i^4 + i^6 + i^8 + i^20 था ना यहाँ पे। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है टर्म, 10 टर्म्स है, कितना है 10 टर्म्स। कैसे पता चला, 2 से
स्टार्ट है 20 तक खत्म है, तो 2 का टेबल पहले 20 कितना टेंस में आता है, 10 टेंस में आता है, तो 10 टर्म्स और यहाँ पे एक टर्म और है यहाँ पे, तो 10 प्लस 1 कितना हो गया 11 हो जाएगा, तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया 11 हो गया। ओके n का वैल्यू कितना हो गया 11 हो गया। a का वैल्यू कितना है 1 है और r कॉमन रेशियो का वैल्यू कितना है आई स्क्वायर है। ओके अब फॉर्मूला यहाँ पर लगाया क्योंकि इसका वैल्यू जो है आर इज लेस देन वन है, कैसे पता चला क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है माइनस वन, देखिए आप लिखे भी हैं कि आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है माइनस वन होता है, तो आर इज लेस देन वन हो गया तो लिखेंगे देयर फोर एस एन इक्वल टू क्या होता है ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन में वन माइनस आर। देखिए अभी जस्ट बताए हैं कि आर का वैल्यू जब वन से लेस हो तो एस एन का वैल्यू ये होता है। अब पुट कर दीजिए इसमें फाइनली इसका रिजल्ट आ जाएगा, एस एन के जब कितना पुट करना 11 इक्वल टू ए यानी कि वन, ये वन माइनस देखिए आर आर का पावर एन है यानी कि आई स्क्वायर का पावर एन यानी कि 11 ओके अपॉन में वन माइनस आर, आर का वैल्यू कितना है आई स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए फाइनली इसका आंसर आ जाएगा, देखिए एस 11 इक्वल टू हो जाएगा ये वन इंटू ये वन माइनस देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है माइनस वन, इसका पावर कितना हो गया 11 अपॉन में ये वन, देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस वन, पीछे माइनस है तो हो जाएगा प्लस वन। ओके अब आगे देखिए हम एस 11 का वैल्यू हो गया, देखिए वन से इसको मल्टीप्लाई करते एज इट इज हो जाएगा, इसको वन लिखिए या नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ये वन देखिए यहाँ माइनस का पावर यहाँ पे क्या है ऑड है, तो दोस्तों देखिए माइनस का पावर कभी भी ऑड मिलेगा, देखिए माइनस का पावर कभी भी हम लोग को ऑड मिलेगा तो रिजल्ट हमेशा क्या हो जाएगा निगेटिव ही हो जाएगा। याद रखिएगा कि माइनस का पावर कभी भी ऑड मिलेगा तो रिजल्ट किस में हो जाएगा माइनस में, और माइनस का पावर इवन रहेगा तो रिजल्ट हम लोग को किस में मिलेगा पॉजिटिव में मिलेगा। ओके तो देखिए माइनस का पावर यहाँ पे क्या है 11 ऑड है तो रिजल्ट हम लोग को माइनस मिलेगा, तो माइनस वन का पावर 11 कितना हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा। ओके अपॉन में वन प्लस वन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे देखिए तो एस 11 का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस माइनस कितना प्लस वन अपॉन में 2 यानी कि 2 अपॉन 2 इसका रिजल्ट हो जाएगा दोस्तों हम लोग को 1 मिलेगा। ओके तो हम लोगों का इसका रिजल्ट क्या मिला 1 मिला। देखिए हम लोग को प्रूफ भी क्या करना था 1 ही प्रूफ करना था, देखिए यहाँ पे ये हो गया हम लोगों को RHS हो गया RHS यहाँ पर लिखे सिंस LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूफ। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया प्रूव दैट आई टू द पावर 53 प्लस आई टू द पावर 72 प्लस आई टू द पावर 93 प्लस आई टू द पावर 102 इक्वल टू 2i। देखिए यहाँ पे LHS से हम लोग आएंगे कि आईटा से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग जानते ही हैं कि आई टू द पावर 53 प्लस आई टू द पावर 72 प्लस आई टू द पावर 93 प्लस आई टू द पावर 102। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि आई टू द पावर 4 इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो 4 से इसको हम लोग क्या करेंगे आई का पावर 53 है तो आई का पावर 53 का हम लोग वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे पहले देखिए यहाँ पे 53 है ना, तो 53 में हम लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 वन जा 4 1 3 4 3 जा 12। देखिए रिमाइंडर कितना बचा 1 और क्वेश्चन कितना है 13 है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे यहाँ पे, तो देखिए ये आई का पावर पहले 4 लिख लेंगे, इसका जो क्वेश्चन आया है देखिए क्वेश्चन कितना है 13 आया है 13 लिख दिए और इनटू ये आई का पावर कितना हो गया रिमाइंडर कितना बचा है 1, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिए। देखिए आई का पावर पहले 4 लिखे 4 का पावर कितना लिखे ये क्वेश्चन जो आया है सो इनटू आई का पावर क्या होगा रिमाइंडर। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे, देखिए आई का पावर ये होगा 13 इंटू 4 52 इंटू आई का पावर ये 1 बेस सेम है मल्टीप्लाई में पावर क्या है ऐड हो जाएगा तो 52 प्लस 1 53 हो जाएगा। ठीक इस तरह से इसको आई का पावर 4 इसका पावर 18 18 फोर जाओगे 72 हो जाएगा प्लस आई का पावर 4 ये होगा 23 हो जाएगा 23 इंटू 4 कितना हो जाएगा 92 इंटू आई का पावर ये 1 हो जाएगा। ओके फिर प्लस नहीं पता चला आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा, फिर देखिए ये आई का पावर 1 है 2 को हम क्या लिखेंगे आई का पावर 4 ये 25 इंटू 4 हो गया 100 इंटू आई का पावर 2। अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए आई का पावर 4 होता है 1, ये 1 का पावर हो गया 13 इंटू आई का पावर 1 तो आई आई हो जाएगा, फिर आई का पावर 4 हो जाएगा 1, ये 1 का पावर 18 प्लस ये हो जाएगा आई का पावर 4 ये हो जाएगा 1 का पावर 23 इंटू आई हो जाएगा प्लस आई का पावर 4 हो गया 1
ये हो जाएगा 1 का पावर 25 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। ओके आगे देखिए, ये हो गया 1 को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आई प्लस ये 1 का पावर 18 हो जाएगा 1। फिर देखिए यहाँ पे ये 1 का पावर 23 तो 1 इंटू आई तो ये हो जाएगा प्लस आई हो जाएगा, और ये हो जाएगा आई का पावर 25 तो हो जाएगा 1। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हम लोगों को -1। ओके अब देखिए -1 से +1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो आई या प्लस आई कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था, यानी कि आर एच एस। देखिए यहाँ पे हमें प्रूफ कितना करना था, 2i प्रूफ करना था, तो ये इसका रिजल्ट हो गया। तो लिखेंगे सिंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हेंस प्रूफ्ड। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 14। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया, प्रूफ दैट समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 से लेकर 13 तक आई टू द पावर एन प्लस आई टू द पावर एन प्लस 1 इक्वल टू -1 प्लस आई। देखिए यहाँ पे हम लोग प्रूफ करना है, यहाँ पे एल एच एस से आ जाएंगे, ये समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 से लेकर 13 तक, और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छा से कीजिएगा, आई टू द पावर एन या आई टू द पावर एन प्लस 1। ओके आगे देखिए, ये समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 से लेके 13 तक, देखिए ये i का पावर n है प्लस, यहाँ पे देखिए पावर क्या है प्लस में है, इसको हम इंटू में लिख सकते हैं ना, i टू द पावर n इंटू i का पावर 1 एक्सपोनेंट के रूल से। और जानते हैं कि a टू द पावर m प्लस n इक्वल टू क्या होता है, देखिए a टू द पावर m प्लस n इक्वल टू क्या होता है, a टू द पावर m और इंटू a टू द पावर n होता है ना, ये पावर प्लस में था इसको हमने क्या कि इंटू में यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर 13 तक, और यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, i टू द पावर n यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, देखिए i का पावर n यहाँ भी i का पावर यहाँ भी है, तो i का पावर यहाँ पे n कॉमन आ गया, तो बचा कितना यहाँ पे, यहाँ 1 अब प्लस, देखिए i का पावर n यहाँ से तो हट चुका है तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे 1 हो गया प्लस ये हट चुका है, i का पावर 1 कितना हो जाएगा, i हो जाएगा। आगे देखिए, ये देखिए यहाँ पे पावर दिया गया है, समेशन करना है हम लोगों को, ये सिग्मा का साइन है यानी कि समेशन करना है n इक्वल टू 1 से लेके 13 तक, तो इसमें तो n वाला टर्म तो है ही नहीं, इसको हम लोग क्या करेंगे बाहर कॉमन ले लेंगे, इसको अंदर रखेंगे ताकि हम लोग पुट जो करेंगे n इक्वल टू 1 से लेकर 13, तो यहाँ पर ना पुट होगा, n जहाँ रहेगा वहाँ पुट होगा, तो इसमें तो n तो है नहीं, इसको हम लोग बाहर कर लिए, इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 प्लस आई यहाँ पे समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर 13 तक, और यह होगा आई का पावर n। ओके क्या किया यहाँ पे 1 प्लस आई को हम लोग क्या कि बाहर किए, समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 से लेकर 13 तक आई का पावर n, क्यों बाहर किए, क्योंकि यहाँ पे इसलिए बाहर किए हैं कि यहाँ पे 1 प्लस आई है, यहाँ पे आई का सॉरी एन इक्वल टू 1 से लेकर 13 तक एन का वैल्यू तो है नहीं यहाँ पे, इसलिए इसको बाहर कर लिए। अब यहाँ पे देखिए बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, एन का वैल्यू यहाँ पे 1, 2, 3 से लेकर 13 तक इसमें पुट करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे देखिए ये हम लोग को 1 प्लस आई है, ये समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 से लेकर 13 तक, और यह आई का पावर एन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट कितना तक, 13 तक। देखिए यहाँ पे ये 1 प्लस आई समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेके देखिए 13 तक हम लोग पुट करेंगे, इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए 1 पुट करेंगे तो i का पावर 1 हो जाएगा प्लस, n की जगह 2 पुट करेंगे तो i का पावर 2, n इक्वल टू 3 पुट करेंगे यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं 1 पुट के i का पावर 1, 2 पुट के आई का पावर 2, 3 पुट करें तो आई का पावर 3, 4 पुट करेंगे तो आई का पावर 4 प्लस डॉट 13 पुट करेंगे तो आई का पावर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ओके आई का पावर कितना हो गया, 13 हो गया। अब यहाँ पे देखिए आई का पावर, देखिए आई का पावर 1 से लेके आई का पावर 13 तक है। अब बताइए अभी जस्ट हम लोग देखे थे प्रीवियस क्वेश्चन में कि ये जीपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं, बताइए कैसे। देखिए सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। थर्ड टर्म सेकंड टर्म से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, i ही आ जाएगा, मतलब कॉमन रेशियो क्या है, सेम है। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, gp फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो gp के लिए हम लोग क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट टर्म कितना बताइए i है, फर्स्ट टर्म कितना i है, i का पावर कितना, i हो गया। कॉमन रेशियो जिसको बोलते हैं, कॉमन रेशियो r बोलते हैं, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म यानी कि आई स्क्वायर बाय में i कैंसिल हो गया, यानी i यानी r का वैल्यू कितना हो गया, i हो जाएगा। ओके और नंबर ऑफ टर्म्स देखिए एन कितना है, देखिए 1 से लेके यहाँ पे 13 तक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बताइए, 13 है, 1 से लेके 13 तक, तो एन इक्वल टू हो गया 13 हो गया। ओके
अब देखिए अब इसका हम लोग सम निकालेंगे। तो सम के लिए हम लोग दोस्तों दो फॉर्मूला यहाँ बताए थे। देखिए सम के लिए, देखिए जीपी का सम का दो फॉर्मूला बताए थे, एस एन इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर। इसका वैल्यू कब, जब आर का वैल्यू वन से छोटा और आर से बड़ा के लिए, आर इक्वल आर ग्रेटर देन वन के लिए हम लोग ये वैल्यू ये फॉर्मूला रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आई का वैल्यू कितना होता है, रूट अंडर माइनस वन होता है। हम लोग जानते हैं कि आई इक्वल टू कितना होता है, रूट अंडर माइनस वन। तो ये जो है सो वन से छोटा है। ठीक है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, एस एन इक्वल टू ये वाला लगाएंगे। देखिए हम फॉर्मूला लगाएंगे आर का वैल्यू लेस देन वन वाला, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। देखिए एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन में वन माइनस आर, कब, जब आर का वैल्यू लेस देन वन है। अगर पुट कीजिए तो ये वन प्लस आई तो एज इट ही रहेगा। देखिए यहाँ पे ये वाला टर्म तो एज इट ही रहेगा, वन प्लस आई। इसके जगह पे देखिए क्या ए ए का वैल्यू है आई, देखिए ए का वैल्यू कितना है आई है, वन माइनस आर, आर कितना है आई टू द पावर थर्टीन, वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन में वन माइनस आर, आर का वैल्यू कितना है आई। ओके आगे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए वन प्लस आई आई टाइम्स ये वन माइनस, देखिए आई का पावर थर्टीन, आई का पावर थर्टीन को हम कैसे लिखेंगे, आई का पावर फोर, फोर का पावर थ्री थर्ट ट्वेल्व इंटू आई का पावर ये वन। ओके अपॉन में वन माइनस आई। आगे देखिए यहाँ पे ये वन प्लस आई आई टाइम्स ये वन माइनस, देखिए वन का पावर थ्री हो गया वन इंटू आई, ये वन माइनस आई हो जाएगा अपॉन में ये वन माइनस आई। यहाँ देखिए वन माइनस आई से वन माइनस आई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ओके तो फाइनली देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन प्लस आई इंटू आई हो जाएगा, वन प्लस आई इंटू आई, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आई इंटू वन हो गया आई प्लस आई स्क्वायर। आगे देखिए हो जाएगा आई और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है माइनस वन, पीछे प्लस है तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। आई माइनस वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस वन प्लस आई भी लिख सकते हैं। देखिए माइनस वन प्लस आई लिखिए, आई माइनस वन लिखिए, एक ही चीज़ है। तो यही हम लोगों को प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, माइनस वन प्लस आई। देखिए यहाँ पे यही हम लोगों को प्रूव करना था। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 भी आप लोगों को समझ में आ गया, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट के जरिए पूछ भी सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।